हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन इंटरनेशनल एकेडमी ड्राइंग क्लास। मैं हूं आपका आर्ट इंस्ट्रक्टर सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राइंग क्लास। आज हम स्प्लैशेस आर्ट बुक नंबर 6 में ड्राइंग बनाएंगे। आपको बुक में पेज नंबर 26 ओपन करना है। इस पेज पे आपको फ्लावर की ड्राइंग करनी है और उसे पेंसिल शेडिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। आप देख सकते हो कि आपकी बुक में लेफ्ट साइड में ड्राइंग बना के दी हुई है। हमें उसे ही देख के ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है। आपको राइट साइड में एक ब्लैंक पेज दिया गया है जिस पे आपको दो फ्लावर्स बनाने हैं, एक ऊपर एक नीचे। सबसे पहले हम लाइट पेंसिल से यहाँ पे हमारा फ्लावर कितना बड़ा आने वाला है ऐसे सर्कल कर लेंगे और नीचे भी एक सर्कल कर लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके बाहर आपका फ्लावर नहीं जाएगा। ऐसे रफ कर लेना है जिसे आप बाद में इरेज भी कर सकते हो। सबसे पहले हम नीचे वाला फ्लावर बनाएंगे। इसके अंदर आपको एक छोटा सा सर्कल करना है एकदम सेंटर में और यहाँ पे आपको ऐसी लाइंस ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 पेटल्स है, तो ऐसे लाइट आपको ये पेटल्स बना लेने हैं। ये बनने के बाद आपको फ्लावर को आउटलाइन करनी है, फाइनल आउटलाइन जो कि डार्क रहेगी। अभी आप जो कर रहे हो लाइट है, अभी मैं इसमें फाइनल आउटलाइन करता हूँ। इस तरह से आपको ये आउटलाइन कंप्लीट कर लेनी है। सेंटर में आप देख सकते हो कि छोटा सा सर्कल है और उसके बीच में एक छोटा सा डॉट है। इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट होगा। ऊपर के फ्लावर में आपको बीच में एक सर्कल बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हो साइड में जिस पेज पे आपको ड्राइंग बना के दिया है वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसे बनाया गया है। अभी इसमें जो पेटल्स है ना वो आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े बहुत, लेकिन आपको ट्राई करना है कि जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही आपका आए। पहले आपको रफली ये ड्राइंग कर लेना है। पेटल्स जो आउटर सर्कल है उसके बाहर थोड़ा गया तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर उसके अंदर ही रहेगा। कुछ पेटल्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ऐसे रफ आपको ये ड्राइंग कर लेना है पहले। कुछ ऐसे बाहर भी दिखाई देंगे एक दो पेटल्स। इस तरह से ये रफ हो जाएगा। अब हम इसे भी इस तरह से फाइनल आउटलाइन करेंगे। फाइनल आउटलाइन करते वक्त ना पेटल्स को ज़रा ऐसे शेप देना है हमें, थोड़ा, एकदम परफेक्ट नहीं है वो पेटल्स, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में थोड़े ऐसे लाइंस देख सकते हो आप कैसी मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से ये ड्राइंग हो जाएगा। अभी हमें जो ये रफ जो ड्राइंग किया था हमने सर्कल बनाए थे वो इरेज कर देने हैं। अब हमें शेडिंग स्टार्ट करनी है। इस फ्लावर में आपको पहले मीडियम शेडिंग कर लेनी है एक ही डायरेक्शन में। आप देख सकते हो कि जो पेटल पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ वो एक ही डायरेक्शन में कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि स्ट्रोक्स कैसे है, ऐसे ही स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ, बीच में ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स में नहीं दे रहा हूँ।
इसी प्रकार के स्ट्रोक्स आपको लगाने हैं। और ये जो टोन रहेगा वो मीडियम टोन रहेगा, आपको ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है। पेटल के हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस प्रकार ये आपको सभी पेटल्स में ये पैटर्न कर लेना है मीडियम वाला। अब मैं आपको एक ही पेटल पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको वो सभी में शेडिंग करनी है उसी प्रकार। अब आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डार्क है, पिक्चर में आपको कहाँ कहाँ पे डार्क दिखाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डार्क है, इसलिए मैं यहाँ पे पेंसिल का जो प्रेशर है वो बढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास डार्क पेंसिल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, 6B, 8B आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे आपको डार्क शेड लग रही है वहाँ पे आप पिक्चर में देख के वहाँ पे डार्क बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको वो अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। आपको बिल्कुल भी इसमें जल्दी नहीं करनी है। इस प्रकार यहाँ पे आपको डार्क करना है और यहाँ पे मीडियम, और बीच बीच में कॉर्नर्स पे यहाँ पे डार्क आएगा। अब हमें इस फ्लावर में शेडिंग करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बना के दिखाया है, तो इसे भी देखते हैं शुरू से कैसे शेडिंग करनी है। इस फ्लावर में शेडिंग करते वक्त आपको पहले डार्कर जो शेड्स है वो बना लेने हैं, जहाँ पे भी डार्क है वो आपको बढ़ा लेना है। मीडियम और लाइट शेडिंग आपको बाद में करनी है, डार्क टोन पहले आप दे देंगे जहाँ जहाँ पे भी है। इस प्रकार से डार्कर टोन जो है वो फिलअप करने के बाद हम अभी मीडियम एंड लाइट टोन से शेडिंग करेंगे। आपके पिक्चर में जहाँ पे लाइट है मीडियम है वहीं पे आपको करना है। आप देख सकते हो लाइट के लिए उन्होंने पेज छोड़ दिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं किया है शेडिंग, बस आपको डार्क और मीडियम टोन ही फिलअप करना है। लाइट के लिए पेपर वाइट ही छोड़ देना है। स्लोली स्लोली आपको करना है, जल्दी में ये अच्छा नहीं होता है। जो स्ट्रोक्स है आपको आपके वो अच्छे से लगने चाहिए, जो जल्दी में नहीं लगते। आपको इस प्रकार से ये शेडिंग कंप्लीट कर लेनी है। फ्लावर के बीच में आपको इस तरह से टेक्सचर क्रिएट करना है, उसमें भी आपको शेड लाइट देनी है। आप देख सकते हो पिक्चर में। तो आपके दोनों फ्लावर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे लगने चाहिए। इस प्रकार लाइट मीडियम डार्क टोन का जो स्टडी है वो आपका इस वर्कशीट के द्वारा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।